अलवर में SC/ST कोर्ट में जबरन धर्म परिवर्तन कराने के बाद मिल रही जान से मारने की धमकी पर इस्तगासे के जरिए मामला दर्ज कराया गया है। कोर्ट ने संबंधित थाने में प्रार्थी को सुरक्षा प्रदान करने व अनुसंधान कर कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। अलवर जिले से लगते नूह मेवा क्षेत्र में अक्सर धर्म परिवर्तन कराए जाने के मामले सामने आते रहे हैं। अलवर जिले में रहने वाले गरीब तबके व नीची जाति के लोगों को प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अभी हाल ही में एक ताजा मामला सामने आया है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ तहसील के बड़ौदा मेव थाना क्षेत्र के भियाड़ी गाँव निवासी 28 वर्षीय मेमचंद उर्फ मोहम्मद अनस पुत्र काड़ू जाति जाटों ने इस्तगासे के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए मामला दर्ज कराया है। 28 वर्षीय मेमचंद उर्फ अनस मोहम्मद ने बताया कि वह अलवर जिले के बड़ौदा में थाना क्षेत्र के भियाड़ी गांव का रहने वाला है। उसके गांव में हरियाणा के फिरोजपुर तहसील के इब्राहिम का बास जिला नूह से कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों का आना जाना था। उनसे दोस्ताना संबंध हो गए थे। इसके बाद उनके द्वारा उसे प्रलोभन देकर एक प्लॉट दिया गया और धर्म परिवर्तन की बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदू रहकर हमेशा नीची जाति में रहोगे और वहां तुम्हें सम्मान मिलेगा। इस पर बातों में आकर 2018 में उसने अपनी पत्नी व बेटियों के साथ धर्म परिवर्तन कर लिया। उन्होंने उसे एक प्लॉट भी दिया था। उसके बाद उसे जम्मू कश्मीर जमात में ले जाया गया, जहां उसका खतना करा दिया गया और धर्म परिवर्तन किया गया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। परिवार को बंधक बनाया हुआ था। इसके बाद उन्होंने उसकी पत्नी से भी जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया। तब वह इब्राहिम का बास से भाग कर निकल आया। इस संबंध में पुलिस थाना बड़ौदा में भी शिकायत दी, SP को भी शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब इस्तगासे के जरिए SC/ST कोर्ट के माध्यम से मामला दर्ज कराया गया है। मेमचंद उर्फ मोहम्मद अनस ने इब्राहिम का बास फिरोजपुर जिला नूह निवासी सत्तार तैयब शहजाद रत्तिखा महबूब हसन सहित 15 लोगों के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन कराने, जान से मारने की धमकी व परिवार को बंधक बनाने का मामला दर्ज कराया है। मेरा नाम मेमचंद उर्फ मोहम्मद अनस, जाति जाटा, गांव भयाड़ी, सनो काड़ो। तो इब्राहिम बास के लोग हमारे गांव में आते जाते थे और वो मेरे को ज़बरदस्त अपने गांव में ले गए थे इब्राहिम बास में, और वहां जाकर हमारा धर्म परिवर्तन करवाए। उन्हें ज़बरदस्ती अब चिमा चूड़े हो, तुम्हारी इस धर्म में कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं है, इस्लाम धर्म में तुम्हारी सब कुछ इज्जत होगी। और उन लोगों ने हमारा धर्म परिवर्तन करवा के हमें जमात में भी ले गए थे। वे जमात में भी ले गए थे और वो लोग कहते थे कि तुम्हारे मज़हब में कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे मज़हब में। वहाँ ले जाके फिर हमें वो जमात में भी ले गए, हमारा जबरन धर्म परिवर्तन, और उन बच्चों को धमकी दी कि तुम अगर धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तुम्हारे बच्चों को हम मार देंगे। तो इसलिए उन लोगों ने हमको आम के अंडर में रखा और हमारा धर्म परिवर्तन करवाया और ज़बरदस्ती हमारा खतना भी करवाया उन लोगों ने। एक परिवादी हमारे पास आया और उसने बताया कि ऐसे हमारे कुछ मोमडन समाज के लोगों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया है। उसके संबंध में इन्होंने आकर के परिवाद दर्ज कराया कोर्ट में। उसके बाद हमने आज आदेश करवाया, अनुसंधान के लिए आदेश हुआ है कि जो भी जिन लोगों ने भी इनके साथ अत्याचार किया, अपराध किया, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इन्हें सुरक्षा।